अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मऊगंज अनुभाग में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस अनुभाग में कई दिल दहलाने वाली घटनाएं घटित हो चुकी हैं, चाहे वह नई गड़ी बहुती कांड हो या हनुमना गैंग रेप या मऊगंज में दुष्कर्म आए दिन दरिंदगों के द्वारा दरिंदगी की जा रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा के साथ साथी युवक ने धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। बताया जाता है कि छात्रा अपने साथियों के साथ स्कूल जा रही थी, बीच में उसके साथी आगे निकल गए, तभी आरोपी शिवम केवट धमकी देते हुए जबरदस्ती सुनसान स्थान पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि स्कूल में परीक्षा चल रही थी, परीक्षा देने के बाद पीड़िता घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी अनिल सोलकर ने उक्त मामले में क्या जानकारी दी है। मऊगंज में एक बालिका स्कूल गई थी और स्कूल से वो लौट रही थी। उनका एक नज़दीकी रिश्तेदार जो है उनको बहला करके ले गया और फिर उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। इसकी सूचना जो है मऊगंज थाने को जैसे ही प्राप्त हुई, पुलिस ने बहुत ही प्रभावी ढंग से उसे घेर करके पकड़ लिया है। अभी वो पुलिस की अभिरक्षा में है, पूछताछ चल रही है, पुलिस उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रही है। अभी ये उसमें है, अभी उसका आकलन चल रहा है और इसके तहत आकलन के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई। पुलिस लगातार जो है समाज में जागरूकता, ये समाज के अंदर का विषय है, इसमें पुलिस और समाज और आप सब मिल करके जब हम काम करेंगे तब लोगों में ये अवेयरनेस आएगी और इससे हम बहुत कुछ राहत मिलेगी। तो हम सबको मिलकर इसमें काम करना है और हम इसमें समाज, स्कूल, बच्चे, छात्र, छात्राएं सब में हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रखा है। हमारा मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय का जो महिला सुरक्षा सेल है वो भी लगातार जो है इस बिंदुओं पे कार्रवाई कर रही है। मानव दुर्व्यवहार, गुड टच बैड टच, इन सब पे लगातार गुड्डी, ये जो अभियान है ये लगातार चल रहे हैं, इसके सार्थक रिजल्ट भी हैं और हम ऐसे लोगों पर तत्काल और सख्त सख्त कार्रवाई करते हैं ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि इस तरह की घटना करने पे उन्हें जो है इस तरह के अंजाम से भोगना होंगे। हमेशा ये करना चाहिए इस प्रकार की घटनाओं पर नशे की हालत, ये एक कारण ये भी है कि उसमें नशा इन्वॉल्व है, लेकिन और बहुत से फैक्टर हैं। जैसे इस वाले प्रकरण में करीबी रिश्तेदार ही है तो बहुत से अब्यूज़ जो है लड़की और महिलाओं के साथ करीबी रिश्तेदारों से भी देखने में प्रकाश में आ रहे हैं।